पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। देश का हर शख्स इस क्षण का भागीदार बनना चाहता है। आज से अयोध्या में शुरू हुए कार्यक्रम के निमित्त मुरादाबाद में भी श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले कार सेवकों को नमन करते हुए उनकी आत्माओं की शांति के लिए हवन और यज्ञ किया गया। मुरादाबाद में हिंदू संगठनों के द्वारा हुतात्माओं की शांति के लिए हवन करके भगवान श्री राम से बलिदान हुए राम भक्तों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। धर्मगुरु धीर शांत दास का कहना है कि 500 वर्षों बाद रामलला अयोध्या में अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमारे पूर्वजों ने जो आहुतियां दी थी, आज उनकी शांति के लिए हवन करके भगवान राम से प्रार्थना की गई है कि उनका बलिदान आज पूरा हो रहा है और उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करें। वहीं उन्होंने शंकराचार्यों के कार्यक्रम में शामिल न होने को विपक्ष के द्वारा टिप्पणी करने की आलोचना की। वो हमारे पूजनीय हैं, उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लगभग 500-550 वर्षों से हम लोग अपने आराध्य श्री राम की जन्मभूमि को, जिसको अक्रांता बाबर ने बर्बर ढंग तरीके से तोड़ दिया था, उस खोए हुए स्वाभिमान को पाने के लिए हम जो मंदिर बनाने जा रहे हैं अयोध्या में, उसकी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। उसके निमित्त हमने 550 वर्षों में हजारों युद्ध लड़े और हमारे नर नारियों ने असंख्य करोड़ों जानों का बलिदान दिया उन हुतात्माओं की आत्मिक शांति के लिए, शुद्धि के लिए और मुक्ति के लिए हमने आज इस महायज्ञ को संपादित किया। आस्था और राजनीति, वैसे तो यह अलग विषय है, लेकिन मैंने बार बार लोगों से कहा है कि हमको राजनीति में धर्म चाहिए लेकिन धर्म में राजनीति नहीं चाहिए। नाव पानी में रहे, पानी नाव के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो जो लोग राजनीति लोग इसका विरोध करें या कह रहे हैं कि सब हमारे पास निमंत्रण नहीं आया, अरे भगवान श्री राम सबके राम हैं, उनको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। आप किससे निमंत्रण मांग रहे हैं? क्या दशरथ महाराज आपको निमंत्रण देने आएंगे? मैं अरविंद चौधरी गुरुजी, श्री सिद्धवली गुरुजी सेवा संस्थान के संस्थापक के रूप में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जो आज हमारा ये महायज्ञ हुआ है, बाकी इसमें अभी भजन कीर्तन में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है, यह आज मकर संक्रांति वह 22 जनवरी 2024 को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है उसके हर्षोल्लास उसका शुभारंभ के उपलक्ष में किया गया है। उसको लेकर हम लोग सभी समुदाय के लोग बहुत खुश हैं और सबके अंदर बहुत उत्साह है। किस तरह से आज आपने इसको यादगार बनाया है, क्या किया है? देखो, यादगार क्या, ये हम लोगों की एक आस्था का रूप है ये, क्योंकि एक ऐतिहासिक क्षण है जो 22 तारीख को होने वाला कार्यक्रम है, ये ऐतिहासिक क्षण है। हम लोगों की 7 पीढ़ियों में हम वो पीढ़ी हैं जो इस ऐतिहासिक पल ऐतिहासिक क्षण की गवाह रहेंगे। हम लोगों के सामने, हम लोगों के लिए सामने प्रत्यक्ष यह कार्यक्रम हो रहा है, तो हम लोग इसके बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी रहेंगे। इसलिए हम लोग आज से ही ये कार्यक्रम यादगार बनाना चाहते हैं और हमारे कार्यक्रम आज से लेकर 22 तारीख तक निरंतर चलेंगे। यज्ञ करके क्या संदेश देने की कोशिश की है? यज्ञ करके ये है कि जो जिन राम सेवकों ने, कार सेवकों की इसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो भव्य कार्यक्रम है, इसमें जो उनकी आहुतियां गईं, जो उनके बलिदान गए, उन लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि जिन उनके जो कार्यकलाप थे, जिस लिए थे, अब उनका वह बलिदान सफल होगा, तो उन लोगों की आत्मा को सफलता मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले और जो हमारे कार्यक्रम में कोई बाधा ना आए। हम लोग पूरे देशवासी, क्योंकि ये देश राम का है, प्रति व्यक्ति इसमें राम का भक्त है और राम की पूजा हम लोगों के लिए एक ऐसी पूजा है, हम लोगों का एक कुछ भी है वो राम की ही पूजा है, तो हम लोगों के लिए एक बहुत भव्य प्रोग्राम है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।